सेब जैसे ही पुराने और बाजार में बिकने वाले एक अति लोकप्रिय फल है मैंडरिन ऑरेंज यानी संतरा। गौरतलब है कि राज्य का कुल फलों की खेती जिन जमीनों में हो रही है उनमें से संतरा ने 45.8% भूमि का अधिकार किए हुए हैं एवं समूह फलों की खेती में इसका उत्पादन 56.8% है। आमतौर पर संतरा का नई पौधा बोने का उत्तम समय है फरवरी से जून महीने तक। पहले हम लोग प्लांटेशन जो आरएन सीडलिंग से करते थे, लेकिन अभी हम लोग जो है ना ग्राफ्टेड और बडेड प्लांट शुरू कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ में हम लोग अभी जुमलो फार्म में इसको अभी हम लोग बना रहे हैं। ये इसका जो रूट स्टॉक है वो है जामरी, और ये जो ऑरेंज है ये काशी मंदिरिंग में इसको हम लोग ग्राफ्टेड करके बनाए हैं। ये 3 मंथ पहले हम लोग इसको किए हैं, अभी ये बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद जो है ये इस पोजीशन में आ गया है। अभी इसको हम लोग फील्ड में प्लांटेशन के लिए तैयार है। इसको प्लांटेशन करने के लिए इस प्लास्टिक को फाड़ करके बस इस मिट्टी को वहाँ में प्लांटेशन कर देंगे। इससे इसका जो है क्वालिटी भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन भी अधिक होगा। इसमें पौधा से फल उत्पादन तक एक पेड़ को करीब 6 साल का वक्त लगता है। वर्तमान एक संतरा का पेड़ से किसान साल में 400 संतरा का उत्पादन कर सकता है, मतलब एक कामयाब किसान प्रति हेक्टर भूमि में 11.96 मेट्रिक टन संतरा का उत्पादन कर सकता है। संपूर्ण पके हुए संतरा तोड़ने का वक्त है साल का नवंबर दिसंबर महीना। दूसरी ओर एक संतरा का पेड़ की उम्र है 25 से 30 साल। एक समय था कि राज्य का लोहित जिला का वाकरो नाम का क्षेत्र संतरा उत्पादन में अच्छा खासा नाम कमाया था। आज भी वाकरो और उसके आसपास के इलाके इस नाम को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि हर साल यह खेती राज्य के भिन्न प्रांत तक फैली जा रही है। इस वक्त तक राज्य के ईस्ट, वेस्ट और अपर सियांग जिले के साथ लोअर दिबांग वैली, अपर सुबनसिरी जिले के कुछ हिस्से और ईस्ट कामेंग जिला का संतरा खेती ने राज्य में सफल रूप से अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुए हैं। राज्य के प्रधान सब ट्रॉपिकल फल के रूप में पहला स्थान प्राप्त करने की हैसियत से संतरा को सरकार की तरफ से वाणिज्यिक संप्रसारण के लिए अग्राधिकार दिया गया है। जरूरतमंद जलवायु और उर्वर भूमि इस मामले में राज्य का आशीर्वाद स्वरूप बना है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में अति सफलता के साथ उत्पादन किए जाने वाला एक और सब ट्रॉपिकल पौष्टिक फल की खेती है अनारस। वर्तमान राज्य के ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, पापुम पारे और अपर सुबनसिरी जिले के कुछ हिस्सों में अनारस की खेती लहलहाए हुए हैं। राज्य के कुल 11,925 हेक्टेयर जमीन में फैले अनारस की खेती पिछले साल में कुल 67,780 मेट्रिक टन का उत्पादन दिया है। फिलहाल राज्य में किसानों ने क्यू और क्वीन इस दोनों प्रजाति से समृद्ध अनारस की खेती करके आए हैं। क्यू की आकृति क्वीन से बड़ी है।
आम तौर पर इस खेती की शुरुआत के वक्त से 15 से 18 महीने के अंदर इसने अच्छे और पके हुए फल देना शुरू करता है। औसत के हिसाब से एक अनारस के पेड़ का औसतन आयु 4 साल है। इसके बाद पेड़ों को उखाड़कर उसके स्थान पर नए पौधे लगाए जाते हैं, पर हर 4 सालों के बाद ऐसे नए पौधे लगाने की प्रक्रिया करते रहने पर सर्वाधिक 4थी बार करने पर ही लाभजनक फल मिलता है। वर्तमान इस खेती ने पूरे राज्य भर में उत्पादित फलों का 21.6% अधिकार करने के अलावा 14% भूमि का अधिकार किए हुए हैं।